हेलो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। आई होप सो अच्छे हो गए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो जैसा कि देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात आ गई, पूरा फाइनल अब तो छोड़ना नहीं है, पूरा फाइनल डेट तक निकल चुका है आप लोग के लिए। ठीक है सोल्जर्स, तो पता होगा आप लोग को हाउ इज़ द जोश। आई होप सो सबको हाई सर। ठीक है, तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट लोग हो, एयरफोर्स का फॉर्म भरे हो, नेवी का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, जितने भी नॉन कमीशन से कमीशन रैंक की तैयारी करना चाहते हो, इंडियन मिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, नॉन कमीशन से कमीशन, SSB इंटरव्यू के थ्रू जो सिलेक्शन होती है, उन लोग की वो बात कर रहा हूँ मैं, तो सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन करने की। हमारा पेड कोर्स भी चलता है, पेड कोर्स भी ले सकते हो, मतलब हज़ारों प्लस बच्चा लोग का सिलेक्शन करवाया हूँ मैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे लोग सिलेक्शन लिए हैं पढ़ के, और पेड कोर्स से मैक्सिमम लिए हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, एकदम 500-600 रुपीज़ की कोर्स होती है जो कि फाइनल सिलेक्शन आप लोग को दिलाता है। ठीक है, आई होप सो सभी चीज़ को अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोग को। ठीक है ना, एक एक चीज़। तो आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल गया, एकदम एग्जाम डेट तक कंफर्म हो गया इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग था, 1/22 एंट्री के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले कहाँ पे आना है, सबसे पहले मैं आप लोग को डेस्कटॉप साइट पर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आना, कहाँ पे आना है भैया जी, ये जो एयरमैन सेलेक्शन CDAC.in यहाँ पे आना है। ठीक है, क्रोम में जाने के बाद गूगल क्रोम में जाओगे, यहाँ पे ये चीज़ सर्च करोगे, सीधा सबको ये चीज़ ओपन करना आ गया होगा जब से, क्योंकि इतना एग्जाम डिले हो रहा है कोविड के कारण, तो आप लोग को पता होगा ये सब चीज़ मैंने बहुत बार बताया, तो ये सब जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं, आप लोग को मैं उस स्लाइड को मूव भी करा के दिखा दूंगा, यहाँ पे क्या एक एक चीज़ लिखा हुआ बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। *121 जो एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है ना, 22 एंट्री के लिए, 1/22 के लिए जो एंट्री होगा, ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है ना, एंट्री का नाम 121 है, बट ज्वाइनिंग जब होगा वो 1/22 के लिए होगा। ठीक है, एक साल का प्रोसेस लग जाता है इसको क्लियर करने में, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम होते हैं, PFT होती है, तीन स्टेज होता है, तीन स्टेज एग्जाम होता है, चौथा स्टेज में जाकर आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलता है, और मेरिट के बाद सब जाकर आप लोग का फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आने चालू होता है, ठीक है, 1 मंथ बाद। ठीक है, आई होप सो सभी चीज़ पता होगा। ठीक है, एक एक कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, आप लोग मुझसे जो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम पर जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन किया हुआ है, सबसे पहले सभी लोग वहाँ जरूर जुड़ो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को दबाओ, और उससे भी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पर जुड़ो, एक एक अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। ठीक है, तो आज डेट भी आ गया, अब मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे आप लोगों को, उसी तरह नेवी का भी एग्जाम है, बहुत लोग का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आया सभी का, कल का वीडियो मैं बनाया था नेवी का सिलेक्शन के बारे में, एक A to Z मैं बता दिया हूँ, चीट कोड हैक बताया था, उसको जाकर जरूर देखो, वीडियो के सेक्शन में होगा। ठीक है, वीडियो के सेक्शन में जाओगे हमारे चैनल पे तो मिल जाएगा, और अगर उस वीडियो को देख लिए तो फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो जाएगा, क्योंकि जिनका एडमिट कार्ड आ गया इंडियन नेवी SSR AA 2021 एंट्री के लिए, ठीक है ना, उसका मतलब 50% ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ, अब 50% आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा, मैं थोड़ा सा एक मिनट वेट करना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए एक मिनट वेट कर लेना भाई साहब। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन करो, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ हो जाती है ये सब। ठीक है, और मैं इंडियन नेवी AA से हूँ, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इंडियन नेवी AA से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे टाइम मिलता है आप लोग के लिए डिवोट करूं, और एक आध सेलेक्शन जो भी हर एक ईयर दे दूं, 5-10 सेलेक्शन दे दूं, ताकि मेरा मतलब है ना क्रेडिट आप लोग के लिए बना रहे। ठीक है, मेरा यहाँ होना, मौजूद होना आप लोग के लिए मतलब हेल्प हो सके। ठीक है ना, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ना स्पेसिफिक एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग बताऊंगा। ठीक है, चाहे जो लेवल होगा, जैसे कि सोल्जर है तो सोल्जर रैंक के लिए मैं स्पेसिफिक फिजिक्स, स्पेसिफिक मैथ कराता हूँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन कराता हूँ, एज इट इज डायरेक्ट आप लोग को डिटो एग्जाम में फंसता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, चाहे रिटर्न हो, चाहे फिजिकल, चाहे मेडिकल, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्योर मेरे पास है। ठीक है, जैसे कि छोटा छोटा इलाज होता है मेडिकल का, जैसे नॉकनी बैंड आई प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले अगर फौज में जाने की इच्छा रखते हो तो 5 सेंस ऑर्गन जो है ना, ये सब का मेडिकल जरूर से जरूर करा के रखो। ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि ये चीज़ होना ही चाहिए फौज में, ये जरूरी है। ठीक है, उस तरह फिजिकल का प्रॉब्लम हो रहा है, दौड़ नहीं पा रहे हो, बहुत सारे नए स्टूडेंट लोग होते हैं, तो उसके लिए मैं टिप्स बताऊंगा, क्या आहार लेना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, मतलब क्या स्टैमिना कैसे बढ़ेगा, सभी चीज़ A to Z मेरे पास सब चीज़ का क्योर है, सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, सपोर्ट करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना अच्छा से मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो चलो अभी मेन टॉपिक कराते हैं, 10K है जिसमें कि 3,000 यानी 3K का सिलेक्शन होगा फाइनली। ठीक है, तो बाकी 7,000 कहाँ जाएंगे भाई साहब, बाकी 7,000 चल जाएंगे अगले साल के लिए। ठीक है, तो आप लोग को अब ये आना है कि मुझे 3,000 के अंदर आना है या मुझे 7,000 के अंदर, और उसमें से भी अगर अच्छा से फोकस कर लिया ना तो AA में भी ज्वाइन कर पाओगे, जिसका सीट अप्रोक्स 600 है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ डिफेंस को यही एक चीज़ डिमांड है, मैं भी इंडियन नेवी AA से हूँ, 2-3 साल पहले मैं भी ऑफलाइन ही सिलेक्शन ले पाया हूँ। ठीक है, ऑफलाइन ही सिलेक्शन लिया हूँ। ठीक है, तो A to Z सेम उसी तरह एग्जाम होने वाला है कोविड के सिचुएशन में, अगले साल फिर से ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, आप लोग हार नहीं मानना, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, फिर से रिटर्न का एग्जामिनेशन तैयारी करो ऑनलाइन का। ठीक है, इस बार थोड़ा सा
कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में से 2 साल से एग्जाम नहीं होता, कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो मैं सभी चीज़ लेके चलता हूँ अपना पेड कोर्स में, ए टू जेड सभी चीज़ कराता हूँ। सबसे पहला मेरा जो चीज़ है ना, मेरा प्रीवियस ईयर कंपटीशन का 3 से 4 साल मैंने एग्जाम दिया हुआ डिफेंस का, तो एक एक चीज़ का, हर एक एवरी शिफ्ट का, ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, सभी का ऑफलाइन पेपर आप लोग को मिलता नहीं होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो वो सब सभी चीज़ मेरे पास कंपाइलेशन जो कि एज इट इज डिटो 70% सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, लेवल बोले तो उसका लैंग्वेज चेंज होता है और कुछ नहीं, बाकी ए टू जेड सभी चीज़ आप लोग को है। तो वो कंपाइलेशन मैं पेड कोर्स में आप लोग को देता हूँ, जो कि मैं अगर चाहोगे तो अभी कुछ दिन बचा आप लोग के लिए फ्री ला दूँ, सिर्फ आप लोग के डिमांड पर अगर चाहोगे तो। और देखो दोस्तों, 10K में से जिसको मैं बता रहा हूँ 3K का सिलेक्शन होगा, तो 3K को मैं चाहता हूँ कि सभी कोई हमारा वीडियो देखे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मान लीजिए 300 लोग भी अगर वीडियो देखते हैं ठीक है, और आप लोग शेयर कर देते हो तो उनका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोग ऐसा मैं मोटिवेट कर दूँगा, इतना चीज़ बताया ना, एक वीडियो में कल शूट किया हूँ पूरा रात भर के, 1 घंटा का वीडियो बनाऊँ, एक एक चीज़ मैं बताऊँ, हैक बताऊँ, चीट बताऊँ, कैसे आप लोग वहाँ पर अगर एडमिट कराया गया तो फाइनली सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ अगर मेडिकल प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा सीरियस तभी आप लोग आउट हो पाओगे, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ फिजिकल भी क्लियर कर पाओगे। और अभी कोविड का केस चल रहा है तो आप लोग को पता होगा बहुत ज़्यादा आप लोग को छूट भी मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट लेना, बहुत कोई रिटर्न क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग रिटर्न के लिए मतलब एटलीस्ट सेक्शन वाइज कटअप जरूर क्वालीफाई करना। और अगर उसमें भी डाउट आ रहा तो आप मेरे से बोलते रहूँ, टेलीग्राम पर मेरे से पर्सनली चैट करो। अभी मेरे पास कुछ 3 हॉलीडे है तो मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूँ, पर्सनली टीच करूँगा, एक एक चीज़ पढ़ा दूँगा, अपना हैंड रिटन नोट दे दूँगा, एज इट इज़ 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ फंसेगा ठीक है, और इतना करवा दूँगा कि आप लोग आराम से इजली कटअप फॉल कर लोगे। और रिटर्न के लिए भी मतलब फिजिकल के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ गाइडेंस करूँगा एज इट इज़, जो मैं बता रहा हूँ नेवी के लिए ये सेम अप्लीकेबल होगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो अब एग्जाम होने वाला है जुलाई में ठीक है। अब देखो दोस्तों, 10 दिन आप लोग के पास बचा एयरफोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है, उसी तरह नेवी वाले के लिए अगर क्लास डिमांड करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 200 से 300 बच्चों को और नया स्टूडेंट को जोड़ो और डिमांड करो टेलीग्राम, मतलब यहाँ पे कमेंट में भर भर के मैसेज कर दो कि भाई साहब मुझे क्लास दीजिए, मुझे क्लास दीजिए। स्पेसिफिक अपना पेड नोट्स जो है, पेड कोर्स आप लोग में जो देते हो वो फ्री में पढ़ाओ, फिजिक्स मैथ में जिसको डाउट आ रहा है, जिसको रागा में डाउट आ रहा है, तो मेरे पास सब कुछ है, जीके का एकदम बेस्ट निचोड़ है, तो मैं जितना पढ़ा दूंगा ना 90% सिलेबस फंसेगा। और 90% अगर फंस गया मतलब 90% आप लोग अगर उतना कर लोगे तो जानते ही हो कट ऑफ 50% जाता है, और आप लोग 90% एटलीस्ट 70% भी सही कर दोगे तो वहाँ 70% नंबर आप लोग आ जाएगा, और डायरेक्ट वो मेरिट से भी बहुत ज़्यादा नंबर होगा, आप लोग को पता है मेरिट से भी उससे ज़्यादा नंबर आ जाएगा आउट ऑफ 70, आप लोग को पता होगा, मैं गारंटी देता हूँ 50+ आप लोग करके आओगे। 10 दिन का भी क्लास मैराथन मैं लेने वाला हूँ ठीक है, अगर सपोर्ट करते हो तो, नहीं तो मैं क्लास नहीं लूँगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, बस आप लोग को सपोर्ट करने आया हूँ, अगर रिएक्शन दिखेगा तभी मैं आउटपुट दूंगा और कुछ नहीं यहाँ पर ठीक है। तो यही चीज़ बकवास नहीं करने आया हूँ, तो यही चीज़ मैं बताने आया था, एकदम एग्जाम डेट घोषित हो चुका है यहाँ पे, देखो 12 जुलाई से 18 जुलाई बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैक करके दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को फेक दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट वेट करना, थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोगों को देखो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ ठीक है ना, वेट करो, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आप लोग को दिख जाएगा ठीक है, जो अपडेट निकल के आया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपडेट निकला है कि नहीं, ये आज का अपडेट है, आज 10 बजे का अपडेट है ठीक है ना। तो ये चीज़ें, थोड़ा वीडियो शूट करने में लेट हो गया, थोड़ा वीडियो बड़ा बना क्योंकि मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, आप लोग का अगर एक्स ग्रुप हो तो, अगर एक्स ग्रुप हो तो क्या कहेगा, देखो एयरफोर्स नेवी दोनों का सेम सिलेबस है, एयरफोर्स एक्स और वाई, और इधर नेवी SSR AA, उसी तरह नावी की GD का भी एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है ना, सितंबर में एग्जाम होगा, फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहा है, FCAT का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, कहीं भी अगर ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन के अंडर में CDS FCAT जाओ, जिनका एज पार हो चुका है 20 साल के प्लस हो चुका हूँ, वो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करो, बट मेडिकली फिट रहो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ, सबसे बड़ा चीज़ ब्रह्मचार्य, इंडियन एयरफोर्स मतलब इंडियन फौज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ब्रह्मचार्य रहो, मैस सर्विस ना करो, गलत काम ना करो, क्योंकि अगर वो सब करोगे तो फिर फौज आपके लिए नहीं, आप लोग अदर ऑफिशियल जॉब है SSC कर लो या और भी जो चीज़ है आप लोग कर सकते हो ठीक है ना, इतना सारा जॉब पड़ा हुआ, बट अगर फौज में जाते हो 2-3 साल आप लोग के लिए ब्रह्मचार्य बन जाओ, एकदम बिल्कुल गलत काम छोड़ दो, बहुत सारा प्रॉब्लम सभी कुछ अभी जब देख रहे होगा, बहुत सारे युवा लोगों को बहुत सारी चीज़ बीमारियाँ हो जा रही है, स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम पे भी बैठे बैठे बहुत को पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। प्लस एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, अगर बाज बनना है तो आप लोग को इन तितलियों को छोड़ना होगा, मतलब छोटी छोटी आप लोग के लिए लड़कियाँ जो होती है ठीक है ना, जितने भी आप लोग के प्रेम संबंध होते हैं डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं ठीक है ना, गर्लफ्रेंड होते हैं, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर बाज बनना है तो ये जो तितलियाँ हैं ना आप लोग की लाइफ में आई भी करेगी ठीक है, आएगी। और मैं बता देता हूँ बिल्कुल बिहारी से हूँ ठीक है, और आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम क्रैक कर सके इस बार, अगर अभी भी 10 दिन पढ़ दिए ना तो मतलब नहीं से अच्छा हाँ का चांस जरूर प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, अगर उतना दिन से नहीं पढ़ा तो 10 दिन अच्छे से पढ़ा तो मन लगा के, जो अगर पहले 12 पास कर चुके हो तो इतना तो नॉलेज हो गई आप लोगों को, और 10 दिन अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे, और अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं फुल कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, इतना मैं जितना मैं आप लोग का मेरिट लिस्ट जाएगा उससे ज़्यादा नंबर ले आने का, इतना नंबर ले आऊँगा, नहीं 70 out of 70 बट इतना कर दूंगा जितना मैं आप पास हो जाओगे क्वालीफाई कर लोगे और मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा अगर चाहोगे तो।
तो यही बता रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन से दूर रहो, लड़कीबाजी से दूर रहो, मैस्टरबेशन से दूर रहो, ये सब ब्रह्मचार्य को नाश करते हो। ब्रह्मचार्य रहोगे तभी आप लोग ग्रो कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो मतलब समझ में आ रही है ना। मैस्टरबेशन से दूर रहो तभी आप लोग फौजन कर सकते हो, कोई भी काम करने के लिए दुनिया में कोई भी है ना, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा राष्ट्रपति तक का पद को आप लोग ग्रहण कर सकते हो अगर ब्रह्मचार्य का पालन कर लिए तो। ये तो एयरफोर्स नेवी है, समझ में आ रही है। फिर भी बहुत बेस्ट जॉब है पूरे इंडिया में, मतलब होता है ना एक टॉप लेवल का जॉब होता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। फौज ज्वाइन करना, अपने देश के लिए मर मिटना, देश के लिए अपना मातृभूमि का सेवा करना बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मोटिवेशन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन को छोड़ो, छोटे मोटे लड़कीबाजी ये सबसे छोड़ो, दूर रहो। एक बार सलेक्शन होगा तो लाइन लग जाएगी, आप लोगों को पता ही है। और उससे भी ज़्यादा आप लोगों को मतलब वो तो एक बेसिक सलेक्शन, उसके बाद मेरे जोड़ना, मैं भी इंडियन नेवी डबल में जॉब करने के बाद भी इतना खुश रहता हूँ और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता हूँ, एक्स्ट्रा सभी कुछ कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा काम भी कर सकता हूँ आफ्टर ड्यूटी, ठीक है। क्योंकि आप लोग का लिमिटेड ड्यूटी होती है, बट हाँ इंडियन मिलिट्री फोर्सेस में हो तो कभी भी आप लोगों को अवेयरनेस हो सकता है, सभी चीज़ प्रॉपर मिलती है, बिल्कुल शान का रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें। देश के लिए कुछ करने का समय है, ठीक है। तो अभी ज्वाइन करो, 10 दिन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद मैं तो हूँ आपके आफ्टर सलेक्शन के बाद का जो चीज़ें हैं वो चीज़ भी गाइडेंस दूंगा, क्या कैसे होता है, ठीक है। तो सभी चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, डेट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, डेट डिक्लेयर हो चुका है, कब से 12 जुलाई से 26 जुलाई। अब देखो ड्यू टू कोविड क्या होगा, 12 से 24 जुलाई, यानी समझ में आ रहा, 12 दिन तक एग्जाम चलेगा। इट मीन्स बीच बीच में गैप होगा और एकदम हल्का हल्का कैंडिडेट बुलाएंगे, 200 से 300 में बुलाएंगे, मतलब 2 से 3 हज़ार एक दिन में बुलाएंगे, ठीक है। और अलग अलग सेंटर, लगभग 50 सेंटर होगा और 12 दिन होगा, तो समझ लो कितना सारे सभी 4 से 5 लाख कैंडिडेट जरूर अप्लाई किए होंगे, तो सभी का मतलब एग्जाम बिल्कुल इजीली कोविड के कारण मतलब धीरे धीरे हो ही जाएगा, इसलिए इतना लंबा दिन हुआ। और ये समझ लो फिक्स डेट है, अब चेंज नहीं होगा डेट, और फाइनली आप लोग का डेट आ चुका, और लगभग 8 से 10 दिन बचा, और इसमें फोड़ने के लिए क्या होगा, सिर्फ रिविजन कंटिन्यूटी, 10 दिन 12 दिन अच्छे से पढ़ लो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एकदम सोचो कि मेरे पास एयरफोर्स ही सब कुछ है और लास्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत लोग का डेट ऑफ बर्थ लास्ट हो जाता है ये सब चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट है, तो अगर अच्छा से फोकस कर लो, फिजिकल वजिकल का भी तैयारी मैं सभी चीज़ अपने से गाइडेंस करूँगा, जो दौड़ नहीं पाते हैं ना, आप लोग को पता होगा मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इंडियन नेवी के लिए भी, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, और NDA ये सब तो आप लोग पता थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। तो देखो 137 कैंडिडेट है ना अभी हाल, आप लोग नहीं सुने होगा कि एयरफोर्स आई ग्रुप का बहुत सारे पटना में, बीटा में, ठीक है, फिजा का, मैं भी बिहार से हूँ, हरियाणा, UP, सभी जगह में स्टेट रिली हुई थी, तो जिसमें कि एयरफोर्स एक्ट ग्रुप का रिली हुआ था, जो कि कभी नहीं होता, बहुत पहले ही ऑफलाइन जब एग्जाम होता तभी होता था, ठीक है। जिसमें कि क्या हुआ ना, सभी का मतलब टॉप कैंडिडेट जो थे शॉर्ट लिस्टेड किए गए, 90%+ वाले लोग का ही एडमिट कार्ड आया था, और उसके बाद भी रनिंग ये सब सभी चीज़ था, तो सोच लो कितना टफ हो गया होगा। सिर्फ तो वहाँ पे सब तेज बच्चे होते हैं, बहुत कोई का तेज होता है जो अच्छा अच्छा होता है, यूपी बिहार का मैं जल्दी बात नहीं कर रहा, वहाँ पे भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिला, फिर भी बहुत सारे लोग हैं ना रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए वहाँ का। और देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो वही चीज़ें, बहुत कोई का फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो रिटर्न में जो IIT JEE वाले स्टूडेंट लोग फॉर्म भर दिए थे और चल भी गए, और उन लोग का क्या हुआ ना कि कदम ताल करवाया गया, इट मीन्स कदम ताल कराया गया। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि रनिंग भी नहीं करवा पाए क्योंकि वो लोग दौड़ नहीं पाए, और सलेक्शन होने के बाद, इतना होने के बाद भी बहुत सारा चूज एक्सेसन रिलैक्सेशन मिला, छूट मिलने के बाद भी, ठीक है, वो लोग ज्वाइन किए, एकेडमी ज्वाइन किए, ठीक है। वहाँ जब रगड़ा हुआ, नॉर्मल डेली का 5 किलोमीटर रनिंग कराना था, तो वो लोग चल नहीं पा रहा था, समझ में आ रहा है, दौड़ने का तो दूर का बात, तो 137 कैंडिडेट जो है ना छोड़ के चल गए एकेडमी को, समझ में आ रहा है, ह्यूज लॉस हुआ एयरफोर्स को, ठीक है, एयरमैन लोग के लिए। और आप लोगों को पता है एयरफोर्स और स्पेशली नेवी में बहुत सारे ऑफिसर और जो सोल्जर हैं उनकी अभी तक कमी है, लगभग 1 लाख उधर, लगभग 8 से 10 लाख फौजियों की कमी है हमारे, मतलब सॉरी 1 से 2 लाख अभी भी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में सोल्जर और ऑफिसर की कमी है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ, और इंडियन नेवी एयरफोर्स या कोई भी मिलिट्री फोर्स जो ये है, उन लोगों का यही डिमांड है ना कि मेरा फुलफिल एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, जैसे SSB होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगा ना, आपके पास 1000 बच्चा का ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगा तो मैं सभी को लूँगा, बट बहुत कोई का होता ही नहीं, वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते। अगर 500 वैकेंसी तो 150-200 जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, बाकी सबको ऐसे ही लेना पड़ता है, या अगले वैकेंसी में उस वैकेंसी को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि आप रियलिटी नहीं रहोगे तो वहाँ फौज में गड़बड़ाओगे, और फौज में उनको अच्छा एक नंबर टॉप कैंडिडेट चाहिए। और ये सब जब आएगा तब जबकि आप लोग माइंड से अच्छे रहोगे, ब्रह्मचार्य का पालन करोगे, मैस्टरबेशन नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, समझ में आ रही बातें, तो ये सब चीज़ें होती हैं, अच्छी थिंकिंग आएगी, तो SSB के लिए अच्छे आप तैयार हो सकोगे, सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है, आप लोगों को फौज में मतलब 1% का भी आप लोग को ये नहीं चाहिए, अगर आप लोग सोल्जर बनना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, हैप्टिक शेड्यूल होता है, और आप पे पूरा देश टिका हुआ, आप इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री के हिस्सा हो, तो आप लोग को ये सब तो करना होगा ना, डिवोट करना होगा, अच्छा खासा पेमेंट है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो ये चीज़ करो। और बता रहा हूँ, अगर क्लास का डिमांड करते हो तो फिजिक्स और मैथ के लिए सबसे ज़्यादा फोबिया होता है, डर बना हुआ रहता है, तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा वीडियो देख लेते और अगर क्लास डिमांड करते और मैं मेडिसन ले लिया और उसको देख के फॉलो कर दिए लास्ट के 10 दिन और मॉक टेस्ट ये सब लगा दिए अच्छे से, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाना बेस्ट होता है, ठीक है, मात्र 200-300 में मिल जाता है, 1 साल का इनफ होता है, ठीक है। एक एग्जाम के लिए फोकस करो, मैं भी 2-3 एग्जाम के लिए फोकस करता था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, बहुत लेट से सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ को, क्योंकि फेलियर आपको ज़्यादा बताएगा
जो एक बार मैं सिलेक्शन ले लेता उससे ज़्यादा बताएगा। तो ये सब चीज़ें, तो फिजिक्स में बता रहा हूँ 20 प्लस करके आओगे, मैथ में भी 20 प्लस इजीली करके आओगे, उसी तरह इंग्लिश में भी 20 में से 18 प्लस करके आओगे। हार्ड शिफ्ट का पेपर रहा तब, और इजी रहा तो फुल में फुल भी कर सकते हो अगर बहुत सारे, क्योंकि रैंक वन का पिछले बार मार्क्स देखोगे 68 पॉइंट समथिंग था, 70 आउट ऑफ 68 पॉइंट समथिंग। रैंक वन जो इस बार का एयरफोर्स का मेरिट लिस्ट में रैंक वन जो था वो बता रहा हूँ, वो हरियाणा का ही कैंडिडेट था। समझ में आ रहे? तो आई होप से सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होगा, ठीक है ना। हमारे देश में बेरोजगारी है, बट अगर नॉलेज हुआ तो आप लोग बेरोजगार नहीं रह सकते। ज्वाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया और बेस्ट जॉब होता है फौज का। और अगर अपॉर्चुनिटी है ना 2-3 साल ही, अब फिर अगर जॉब नहीं ना लगा तो फिर देखना भेड़िया हिसान हो जाती है SSC रेलवे में, तो जॉब नहीं ले सकते बहुत सारी चीज़ें। इसलिए 10 दिन बचा, अच्छे से फोकस करो। अगर क्लास की डिमांड चाहते हो तो कम से कम तो 500 लोगों को ऐड करो यहाँ पर। 500 कमेंट चाहिए मुझे कि क्लास चाहिए सर, फिजिक्स मैथ का क्लास दीजिए, रागा का क्लास दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब, एक क्वेश्चन भी अगर मतलब अगर सलेक्शन नहीं हुआ ना, क्वेश्चन आए चाहे नहीं, आपका सलेक्शन हो जाएगा बस इस वीडियो को देखने के बाद। रिटर्न एग्जाम इतना जान लो, क्वेश्चन आना ही आना, गारंटी दे रहा हूँ। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना कंपाइलेशन, समझ में आ रही, प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट का 5 साल का, ठीक है, जब से ऑफलाइन होता था। 2 साल ऑफलाइन का पेपर, 3 साल ऑनलाइन का, हर एक ईच एंड एवरी शिफ्ट एवरी टाइमिंग के साथ इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और वो जानते हो, आपको एक चीज़ पता होगा, जो एयरफोर्स नेवी है, स्पेशली सोल्जर वाले लोग के लिए बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स नेवी नॉन कमीशन रैंक यानी सोल्जर वाले, कमीशन रैंक का बात नहीं कर रहा हूँ, NDAC CDS का, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता है, थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हो आप उसको इसके रिगार्डिंग। बट एयरफोर्स अगर नेवी की बात करूँ तो मैं जानते हूँ 70% पेपर जो है ना, मैंने एनालाइज किया प्रीवियस पेपर जो है, जो कि वो लोग देते हैं, एग्जाम लेते हैं और क्वेश्चन नहीं देते, ठीक है ना, क्वेश्चन वापस ले लेते हैं, उसी का मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को कंपाइल करके बनाया हूँ, उसी में से सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न चेंज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल ब्रीफली, ठीक है, एक एक चीज़ को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम डेट आप लोग को दिया हुआ है, XY इंटेक 1-2, यहाँ पे सभी चीज़ एक एक चीज़ लिखा हुआ। और हमारा चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, जो भी नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ, हमारा मतलब ही होता है ट्रस्ट, ठीक है। 11 बजे सभी लोगों को करारा जवाब मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला था ना कि जुलाई के मतलब मिड वीक में होगा, 12 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में होगा ना, मैंने 15 जुलाई बताया था, उसी के बीच में होगा, 15 से 18 जुलाई बताया था, तो समझ लो। तो ज़्यादा इस बार कोविड है तो बिल्कुल केयरफुल होके इंडियन एयरफोर्स ध्यान दे के सबको कम कैंडिडेट बुला के इतना दिन करवा रहा, 12 दिन समझ लो। तो पहले 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता, अभी 12 दिन, मतलब तीन गुना कम करेंगे कैंडिडेट को बुलाना एक दिन में, ठीक है। तो समझ लो ये सब चीज़ है, डायरेक्ट मैथमेटिकल लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस के साथ मैं सभी चीज़ करता हूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। और कट ऑफ के लिए अभी भी मैं बता देता हूँ, आप लोग टारगेट करना 50 प्लस लाने एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में 45 प्लस, ठीक है, 40 प्लस या 45 प्लस, और सभी का आ भी जाएगा अगर जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है, पहले होता था नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता था ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि बहुत सारे एस्पिरेंट लोग हमारा पेड कोर्स भी लेके आप लोग सेपरेट हो सकते हो। लाखों का बुक नहीं लेना आप लोगों को, लाखों हज़ारों का बुक नहीं लेना, इतना सारा भटकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल इतना सारा अपना सेल्फ पेड मतलब कलेक्ट कर लेते हैं और सलेक्शन नहीं ले पाते हैं, समझ में आ रहा। इसलिए मैं बता रहा हूँ लिमिटेड पढ़ो और स्पेसिफिक पढ़ो, और हमारा पेड कोर्स ले लोगे तो इतना भटकने की दरकार नहीं होगा। यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस लेता हूँ, अगर आप लोग सब चीज़ मैनेज करके पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब का क्लास बेस्ट है, लगभग सब सेम कंटेंट देता हूँ, बट सभी चीज़ बिल्कुल PDF अच्छे से, डाउट सेशन प्रॉपर चाहिए बिल्कुल, एक एक चीज़ क्लियर, सभी टॉपिक अच्छा करना चाहते हो, 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हो, फुल आउट ऑफ 100% स्कोर करना चाहते हो, कोई मलाला ना रहे कि मैं इस चीज़ को प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो उस चीज़ के लिए मैं पेड कोर्स निकाला हूँ। 599 का कोर्स होता है प्रत्येक स्पेसिफिक, जैसे एक्स का लेकर तो 599, वाई का लोगे तो अलग 599, और दोनों का लेना चाहते हो तो अगर 800 में मिल जाएगा, उसी तरह नेवी SSR EE के लिए अगर दोनों का लेना चाहते हो तो उसी तरह कम में मिल जाएगा, आप लोग को ऑफर भी चल रहा है। तो देखो मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, क्यों इतना चीज़ बताने का जरूर मेरा मतलब है, यहाँ पे एडमिट कार्ड आया तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, ये हमारे पेड बैच का स्टूडेंट है, इनका एकदम सलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर गाइडेंस प्रूफ चाहिए होगा, हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूँ। देखो मैं SSB भी गया हूँ, सिलेक्शन ले चुका हूँ SSB में भी, ठीक है। CDS का मैं एक बार आउट हो गया था SSB से, मतलब ग्रुप Day 3 से, तो Day 4 से मतलब फिर से मैं CDS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चाहता हूँ कमीशन रैंक लूँ फौज में, ठीक है। ये हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका नेवी में सिलेक्शन हो चुका है, ये पिछले साल सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। देखो ये कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखो ये कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, 2-3 स्टूडेंट का मैं आप लोग को दिखाऊँ, बाकी सब कोई
मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही है, बाकी सबकी प्राइवेसी रखना चाहता हूँ मैं, बस इसलिए। बहुत सारे लोग हमारे देखो कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ स्टेज टू के लिए, अभी स्टेज टू होगा उनका, तो बहुत सारे चीज़ प्रूफ आप लोग को दिखाता रहता हूँ मैं। और ज़्यादा प्रूफ देखना तो टेलीग्राम मतलब जाओ, वहाँ पर बहुत सारे मैसेज है, अच्छा अच्छा मैसेज है कि सर हाँ आपकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लो, और कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक पढ़ाऊँ, बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड नहीं, ये सब कोई लंफ नहीं, मैं चाहता हूँ स्लाइड पर पढ़ा के आप लोग का सिलेक्शन करा, तो ठीक है। अगर चाहते हो आप लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ना तो उतना थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल सकूँ, समझ में आ रही है। डेट अनाउंस हो चुका, बिल्कुल फोकस रहो, अगर पढ़ना चाहते हो तो बोलो, मैं पढ़ा दूंगा, अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। मैं मैराथन क्लास लिया हूँ एनडीए के लिए, मतलब तीन दिन क्लास लिया था, 9 वीडियो डाला था, 3-3 घंटे का, ठीक है। जीएटी का लगभग 50% एकदम मतलब 3 दिन में फंसा दिया, जितना पढ़ा है उतना, जो उतना पढ़ के चल जाता बस उतना 3-4 दिन। और मतलब जीए ऐसा टॉपिक है ना कि अगर जीएटी का मैं बता रहा हूँ, जीके ऐसा टॉपिक होता है कि अगर 2-3 बार आप लोग पढ़ लिए, मतलब रटना नहीं है उसको, सिर्फ माइंड में रख लिए, तो अगर क्वेश्चन दिखेगा ना तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके जरूर कर लोगे। उसी तरह मैथ के लिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, तो मैथ के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट बोला था कि ये कर ही लेना आएगा, तो वो आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, मेरे पास बुकलेट है, वो बुकलेट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो बुकलेट मैं आप लोग को सिर्फ पेड मेंबर्स लोगों को देता हूँ, अगर चाहोगे तो मैं आप लोग के लिए 10 दिन के लिए प्राइवेट वीडियो आप लोग को फ्री करके दे दूँगा, ठीक है। कुछ दिन पढ़ लेना, फिर वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे मोनेटाइजेशन में भी कोई मतलब नहीं है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मतलब इंडियन एयरफोर्स का डेट तय हो चुका है, अब बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाओ, मात्र 10-12 दिन है, बिल्कुल आग लगा दो चीता की तरह, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है ना। 20 दिन पहले आप लोग के लिए इंडियन एयरफोर्स सब चीज़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ भाई एग्जाम का डेट आ चुका है एंड डेट फिक्स हो गया, ठीक है। तो उसी तरह 20 दिन बोला है तो मतलब 10-12 दिन है, अच्छा सा करो, बाकी रिवाइज और मॉक टेस्ट ज़्यादा देना, टेक्स्ट बुक का ले लो, अभी भी टाइम है, अगर 10-20 मतलब 100-200 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो, टेक्स्ट बुक का बढ़िया होता है इसलिए। और अगर कोड चाहिए तो मुझे बताना, कुछ 10% ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है। टेक्स्ट बुक का अगर लेना चाहते हो तो कमेंट करो, मतलब डिस्कस टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट हो फिजिकल मेडिकल के रिगार्डिंग, हाँ सर मेरा ऐसा है, तो मुझसे पर्सनली गाइड ले सकते हो, ठीक है, बोले इल्बो, ठीक है, जितने भी चीज़ें होती है, डीएनएस नाक की प्रॉब्लम, ठीक है, ये सबको कैसे एक्सरसाइज करके सीख करना, ये सब पर्सनली मैं गाइडेंस देता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ही देता हूँ सभी कुछ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहिए भारत, वीडियो को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।